हाय गाइस गाइस बात करेंगे आज सेकेंड ओडी मुकाबला जो कि बांग्लादेश वेंट यूरोप साउथ अफ्रीका। दोस्तों ये मुकाबला जो खेला जा रहा है बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच का, ये दूसरा ओडी मुकाबला जो खेला जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे साउथ अफ्रीका वुमेन ने पहले टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है देखते हुए कि किस तरह से फील्डिंग करके इस बैटिंग टीम को किस तरह से परफॉर्म दिखाना है। तो यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश वुमेन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 29 ओवर की पारी खेली है, लगभग यहाँ पे 113 ओवर की पारी हुई है। अभी 2 विकेट नुकसान पर, रन रेट बहुत ही कम रही, 3 की रही है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 6 की रन आनी चाहिए कि ओडी मुकाबला अगर 6 रन की आती है तो स्कोर भी लंबा जाता है। 113 रन बने हैं अभी तक, 2 विकेट नुकसान पर, अभी बाकी ओवर है 20 ओवर लगभग बाकी हैं, 100 ओवर रन आ जाएगा तो 220 तक इसको चेस हो सकता है आसानी से। तो यहाँ पर बात करने के वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका बीच का मुकाबला आज किस तरह रहा है, परफॉर्म की बात करेंगे, प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह से रहा है फील्डिंग की बात करेंगे, मैच के बारे में बात करेंगे, पिच के बारे में बात करेंगे। दोस्तों तो मुकाबला आज का पहला इस तरह से रहा है कि पहले यहाँ पे टॉस जीता है साउथ अफ्रीका ने और यहाँ पे फील्डिंग का फैसला किया है। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश टीम ने बैटिंग करी है, 29 ओवर की पारी हुई है, यहाँ पे 50 ओवर का मुकाबला होना है। तो यह बात करेंगे पहले बैटिंग क्या परफॉर्म, खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे, 113 रन की पारी किस तरह रही है 2 विकेट नुकसान पर। दोस्तों बांग्लादेश वुमेन की बात करें बैटिंग में, शमीमा सुल्ताना फरगना होक दोनों बल्लेबाजी करने आए थे, अच्छी बल्लेबाजी हुई है होक द्वारा, फरगना बहुत ही शानदार 100 गेंदों में 56 रन बनाए हैं, 8 चौके जड़े हैं इस मैच के, 56 की स्ट्राइक रेट, और सुल्ताना 28 रन बना के क्लास की गेंद पर लूज तो उनका आसान कैच लपका, और शमीमा सुल्ताना ने 28 रन की पारी खेली है, 36 गेंदों सामना किया, 5 छक्के लगाए थे इस मैच में, शानदार पारी हुई थी उनकी, 77.77 की रही उनकी स्ट्राइक रेट, वहाँ पर ग्लास की गेंद पे लुइस ने उनका आसान से कैच लपकते हुए आज 28 रन बनाकर आउट हुए। फरगना होक बल्लेबाजी करने आए थे, 56 की पारी खेली है 100 गेंदों में, अभी क्रीज मौजूद है। अभी निगाह सुल्ताना के साथ मुर्शिदास खातून आए थे और भी 8 रन की पारी खेली, कैप ने यहाँ पर उनको स्टंपिंग करवाया जपटा की गेंद पर, मुर्शिदा खातून 8 रन बना के ये पेवेन लुटा वापस, 13 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए थे, 1 चौका पहले से आए, 2 चौके लगाए थे, 61.53 की रही थी इनकी, अच्छी परफॉर्म, अच्छे लगे ताल में लगे थे, फॉर्म में थे बल्लेबाज, 2 विकेट गवाए हैं आज बांग्लादेश टीम ने बल्लेबाजी करते हुए। निगाह सुल्ताना कैप्टन ने 9 रन की पारी खेली, 25 गेंदों में 1 चौका बल्ले से लगाए हैं, 36 की रही स्ट्राइक रेट, एक्स्ट्रा रन मिले 12 रन, 113 पे 2 विकेट नुकसान हुआ है, अभी 29 ओवर मुकाबले में 3 पॉइंट निवेशी की आ रही है प्रति ओवर रन रेट, मुकाबला वो भी शानदार अच्छा होता था, अभी चक्का आए नहीं, 5 चौके आए हैं शमीमा सुल्ताना के बल्ले से, 8 चौके लगाए हैं फरगना होक ने, फिर बल्लेबाजी कर रहे हैं मौजूद है, अगर लंबी पारी खेलते हैं आज तो अच्छे बल्लेबाज हो सकते हैं, अगर लंबी पारी भी खेलते हैं तो यहाँ पर 56 की पारी हुई है फरगना होक की, नो डाउट है, अभी 100 रन बना के 100 गेंदों का सामना किया है, अभी 56 रन बनाए हैं। मुश्ताक खातून की बात करेंगे, उनके 13 गेंद सामना किया, 8 रन आए खातून के खाते में, वो कैप्टन का विकेट लिया। दोस्तों इस तरह से आज का मुकाबला बांग्लादेश का वुमेन मुकाबला T20 के बाद ओडी मुकाबला जो सेकंड ओडी मुकाबला जो खेला जा रहा है। दोस्तों ये मुकाबला आज का बड़ा मुकाबला हो सकता है कि 50वां मुकाबला है, पहले बैटिंग कर रही है बांग्लादेश टीम, उसके बाद साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करने आएंगी, तो आज का मुकाबला बहुत ही शानदार अच्छा देखने को मिल सकता है। फिर से साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेज बांग्लादेश वुमेन के बीच का मुकाबला आज का है, ओडी मुकाबला जो खेला जा रहा है 113 का अभी तक 113 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे, तो आज मुकाबला और भी अच्छा देखने को मिल सकता है। दोस्तों अच्छे परफॉर्म देखने को मिला यहाँ पे, 3.89 की आ रही है प्रति ओवर रन रेट, 29 ओवर हुए अभी कम से बाकी ओवर है, नहीदा अख्तर, रितु मोनी, स्वर्णा अख्तर, रोबिया खान, फहिमा खातून, महरूफा अख्तर, सुल्ताना खातून ये बल्लेबाजी करने आएंगी, अभी बांग्लादेश तरफ से बैटिंग बाकी है इनकी, तो रोबिया खान तो अच्छी बल्लेबाजी होती है, ऑलराउंडर बल्लेबाज है, स्वर्णा अख्तर, रोबिया खान, सुबह फहिमा खातून, महरूफा अख्तर, सुल्ताना खातून, ये सारा बॉलर्स है, तो ये अच्छा परफॉर्म जहाँ तक होता है बैटिंग उनको करानी चाहिए लगभग, क्योंकि लास्ट में अगर बैटिंग होती है तो अगर 2 रन 5 रन 10 रन आते तो जुड़ते हैं स्कोर में, और अगर फॉलो विकेट की बात करेंगे 48 पे पहला विकेट गिरा है अभी तक समय सुल्ताना का, 13 ओवर पे 4th गेंद पे समय सुल्ताना ने 48 पहला विकेट गवाया था, उसके बाद दूसरा विकेट 63 पर मुश्ताक खातून ने 70 ओवर 3rd गेंद पर गवाया था। तारीफ जितनी कराए उतना कम है दोस्तों कि मुकाबला बहुत ही शानदार होना है, मिर्जापन कैप आइबोंगा खाका मस्त बता क्लास ने अच्छी बॉलिंग करी है यहाँ पे, कैप द्वारा 5 ओवर डाले गए 12 रन दिए हुए, 1 विकेट मिला, 2.40 की रही इकोनॉमी,
खाकर द्वारा यहाँ पर 6 ओवर डाले गए 21 रन दिए, 3 50 की रही इनकी इकोनॉमी। उकलास द्वारा 5 ओवर डाले गए 24 रन दिए, 1 विकेट इनको मिला है, 4 80 की इनकी रही इकोनॉमी। तो शानदार मुकाबला, अच्छा देखने को मिल सकता है। फिर से आज का मुकाबला जो हो रहा है बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश साउथ अफ्रीका टूर पर गई हैं, खेलने के लिए वुमेन का मुकाबला जो ओडी मुकाबला आपको खेला जा रहा है, अच्छा शानदार हो सकता है। उसमें यहाँ पर बल्लेबाजी पहले ही करते हुए 113 की पारी खुली, 2 विकेट नुकसान पर, 84 स्कोर हो सकता है, विकेट पड़े नहीं है अभी तो, अच्छी बात पारी खेल ली होगी 20 रन पे, अच्छे बल्लेबाज से 50 रन, 2-4 बल्लेबाज बना, तो अच्छा मुकाबला, अच्छा स्कोर, अच्छा जो स्कोर की बात करते हैं, जो अच्छा स्कोर बांग्लादेश टीम बना सकती है। फिर उनको चेस करने के लिए अगर बॉलिंग अच्छी होती है तो भी आसानी से चेस कर पाना मुश्किल होता है, बॉलर्स पे डिपेंड होता है किस तरह बॉलिंग डाली है, किस तरह से परफॉर्म करना है, पिच भी गिल्ला होगा, सर्दी का टाइम में पिच और गिल्ला रहता है, तो मुकाबला और भी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साउथ अफ्रीका का है जैसे यहाँ पे अभी इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका चल रहे हैं, तो उसमें ओडी टी ट्वेंटी मुकाबला चल रहे हैं, तो आपने देखे होंगे अभी बांग्लादेश साउथ अफ्रीका टूर पर है वुमेन में, नहदयाद क्लर्क ने 3 ओवर डाले, 7 रन दिए हैं, 2-33 सीरी इनकी इकोनॉमी। लीजिए हमारी मैच की बात करें, 4 ओवर डाले 22 रन देखिए, 5 50 की रही इनकी इकोनॉमी। ननकुल्ला किला मलबा की बात करें, 6 ओवर डाले 22 रन दिए, 3.66 की रही इनकी इकोनॉमी। हालांकि इनके खाते पर विकेट आए नहीं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही है, 6 ओवर 22 रन आए हैं, कमी आ रहा है, 3 प्रति ओवर 3.66 रही औसत रन रेट रही इनकी। यहाँ पे मार्क्स की बात करें, 4 ओवर 22 रन दिया, 5 इनकी इकोनॉमी, 13 ओवर थोड़ा सा ओवर महंगा और साबित हुआ है, विकेट मिला नहीं, अच्छे बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हैं। क्लर्क की बात करें, 3 ओवर में 7 रन दिए हैं, बहुत ही शानदार क्लर्क द्वारा सटीक गेंदबाजी हुई यहाँ पे, देख सकते 2 रन आए हैं प्रति ओवर में, तो मुकाबला और भी अच्छा हो सकता है, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हुई है। साउथ अफ्रीका टीम की बात करें, तजमिन ब्रिट्स लोरा कैप्टन है, अनेक कोस्कु सुनील ल्यूज मरजेम कैप दिन द क्लर्क एल्ज मारिक मैक्स सुनालो जप्ता मालबा खाका क्लास ये आज ही बल्लेबाजी करेंगे आज साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से। साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन के बीच का मुकाबला आज का सेकंड ओडी मुकाबला, बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी ओडी है वीडियो। दोस्तों इस तरह से आज का मुकाबला इस तरह से रहेगा, हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की बैटिंग के बारे में किस तरह से, इस वीडियो के बाद पहले बात करी थी हमने बांग्लादेश की बैटिंग और यहाँ पे बात की बॉलिंग की। दोस्तों इस तरह यहाँ इस परफॉर्म वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर करें, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि कोई हाईलाइट होगा आपके सामने। आईपीएल संबंधित पीकेएल प्रो कबड्डी लीग का मुकाबले भी चल रहे हैं, तो वो भी आप देखना भूलें। यहाँ साउथ अफ्रीका वुमेन टीम की बात की थी हमने, यहाँ पे तजमीन ब्रिट्स लोरा लोरो बल्लेबाज करने पहले बैट्समैन आएंगे, उसके बाद 3 ओवर पहने का 4 पे सुनील लुइस 5 पे केप 6 पे क्लर्क 7 पे मार्क्स 8 पे जप्ता 9 पे मालबा 10 पे खाका 11 पे क्लास आएंगे बल्लेबाजी करने।